हेलो गाइस, मैं हूं बीजे। सब्सक्राइब कीजिए। कैसे है गाइस आप लोग? मैं तो बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सभी बंदे बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं और प्रियो आए हैं फिर से। गाइस हमारी चैनल का तो भाई ऐसा ही हो गया कि हम जब भी बाहर आते हैं तभी एक ही रीजन होता है। गाइस हम जब भी बाहर आते हैं तभी हमारा एक ही रीजन होता है। सो गाइस आज हम लोग निकले हैं बीजेपुर चैनल के शूट के लिए। हर बार हमारा एक ही रीजन। बट भाई क्या करें, आपको सच्ची बात बताते हैं, हम लोग दिल से बहुत ही अच्छे हैं गाइस, आपको सच बता दूं। तो उन्होंने कब बोला कि तो आप लोग? अरे नहीं भाई, वो लोग भी परेशान हो गए होंगे यार। हर बार जब 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 भी बोलता है बाहर गया है गाइस बीजेपुर चैनल का शूट। गाइस बीजेपुर चैनल का शूट जो सर्च होता है वही हम बताते हैं। और गाइस अभी मेरे एग्जिट सामने यहाँ पर है बरोड़ा डेयरी की फैक्ट्री, जहाँ पर मिल्क और बाकी प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो गाइस मैं ये जो बरोड़ा डेयरी के अंदर से मैं जाकर आया, मतलब गाइस हमारी स्कूल की पिकनिक थी तो उसके अंदर हमें इसकी विजिट लेनी थी टोटली अंदर से। तो भाई मैं गया था और भाई जो ये पैकिंग है, जो मिल्क की पैकिंग होती है भाई, वो मैंने अपनी आंखों से देखी। और बट भाई इसकी जो स्मेल है ना, वो लिटरली बता रहा हूँ, तेरा तो लॉकडाउन में सभी खत्म ही हो गया पिकनिक का। नहीं मैं पर गई थी, मैंने अंदर गई थी, मैं गई थी सच्ची कसम से। उसकी स्मेल थी और मतलब सच बोलूं तो वैसे मतलब वॉमिटिंग जैसा होता है जब। हाँ बराबर है, तो फिर बराबर है। एसिड टाइप की स्मेल थी टोटली। और भी मैं बताती हूँ, और अंदर बहुत मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें थी और उसमें दूध प्रिपेयर हो रहा था। एक मशीन में से दूसरे मशीन में दूध जा रहा था, मैंने सब देखा है। चलो बराबर है। हैंड्स अप, इधर से ही देख लो कैसा है टोटली भाई। सैंड वैंड का चक्कर ही ना रहे। गाइस देखो मैंने ऐसे कैमरा पकड़ा इसलिए मैं प्रियू को बोल रहा था है। गाइस अभी हमारी जो पनिशमेंट, जो जीता है और जो हारा है उसके लिए प्राइस फुल मनी यहाँ पर है सब कुछ। सो भाई यहाँ पर भीड़ तो काफी है। चल अभी मुझे ही खड़ा होने पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरी महारानी तो जाएगी नहीं। गाइस इसके नखरे खत्म नहीं हो रहे, कब से ये फोटोज क्लिक करा है। दिखा फोटोज, दिखा। एक भी फोटो है ही नहीं, बस एक ही है। क्या एक ही? दिखा। देखो इतने अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करता हूँ। गाइस ये फोटो बहुत ही अच्छी है। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो मैं हूं बीजे, सब्सक्राइब कीजिए। कैसे गाइस आप लोग? मैं तो बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सभी बंदे बढ़िया होंगे। सो गाइस आज मैं और प्रियू जा रहे हैं एकदम सुबह। ओके आजा प्रियू, आजा पहले आजा। सो गाइस आज मैं और प्रियू इतनी सुबह में जा रहे हैं एक बीजेपुर चैनल का वीडियो शूट करने, क्योंकि भाई अभी प्रियू, मम्मी और पापा तीनों लोग जा रहे हैं अंकित मतलब रिया दीदी की शादी में। सो भाई अभी मैं तो कुछ जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी एग्जाम है। सो चलो अभी गाइस मैं रिया दीदी की शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और आप देख सकते हो मेरे हाथ में मेहंदी भी लगी हुई है। सो भाई कैसा लग रहा है, हम जा रहे हैं तो? अरे जाना मम्मी। अबे तू जा रे भाई ना जल रहा है हमसे कि हम जा रहे हैं ना, इसलिए कोई ना वीडियो फोटो भेजूंगी, एंजॉय कर लेना। ओके अभी यही इज्जत रह गई है हमारी, वीडियो फोटो देखकर ही एंजॉय कर रहे। वहां पर आके खुद रे ही ठुमके लगा सकते हैं, तुम जो ठुमके लगा रहे हो वो देख के मैं एंजॉय करूँ ऐसा। वाह सरस, बहुत सरस बेटा, बहुत सरस। गाइस हालत खराब हो चुकी थी ट्रेन में, कैसे कैसे निकाली है। ये जो पूरी कार है इसके ऊपर दोनों टायर ऐसे और इसके अंदर पूरा
मेरी कार चली गई थी भाई, हालत खराब हो गई थी प्रियु भाई, प्रियु तो डर गई थी बराबर की ऐसे, मतलब हाँ मतलब काना ऐसा ऊपर हो गई जो टायर पूरा घूम रहा था और हवा एग्जिट मुझे पता है हमारी कार है ना एग्जिट इधर आके रुक गई थी, देख इधर आके रुक गई थी, मतलब ये जो पूरा जितना भी यहाँ पर आपको मिट्टी दिख रही है वो पूरी कार के नीचे थी भाई, सबने मतलब हेल्प किया। अरे यार लिटरली में सभी ने मदद की, वरना तो कुछ भी नहीं होता। चलो एक साइड से तो हमने भाई कार को ऐसे उठाया, वो देख तुझे दिख रहा है ना, वो पत्थर पर हमने कार रखी है गाइस, ये जो बड़ा वाला पत्थर उस पर हमने एक साइड से कार उचक के रखी है, तब जाके ये काम हुआ है। तो थैंक्स टू ऑल।